नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के संभल के असमोली थाना क्षेत्र के गांव खानपुर बंद में लाखों रुपए की चोरी। संभल मामला असमोली थाना क्षेत्र के गांव खानपुर बंद में शनिवार की रात को अज्ञात चोरों ने एक नाबीना परिवार के घर में कूमा लगाकर लाखों रुपए का सोना चांदी व 96,000 का कैश लेकर फरार हो गए। सुबह होने पर जब परिवार के लोगों ने कमरे का गेट खोला तो दीवार में कूमा लगा हुआ था। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। पीड़ित नाबीना अली हसन ने जानकारी देते हुए बताया कि सोना चांदी के जेवर समेत 96,000 रुपये चोरी हुए हैं, जिसकी जानकारी परिजनों को सुबह होने पर मिली। पीड़ित नाबीना अली हसन ने अज्ञात चोरों के खिलाफ असमोली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। संभल से मोहम्मद अली नकवी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अली हसन है। कहाँ के रहने वाले? जी ये थाना असमोली। ये चोरी जो हुई है आपके घर में? सर मुझे कोई पता नहीं किस टाइम चोरी हुई है, कब हुई है। मैं तो हर रोज की तरह अपने घर में जिस तरह से रोजाना सोता था उसी तरह से सोता था। आज तक मेरे घर में से ये बिना के कोई सुई भी चली जाती तो इसी तरह मैं तो बेफिक्र होकर सो रहा था। सुबह जब सूफी जी ने अजान पढ़ी, अजान पढ़ने के बाद में मैंने बालकों को उठाया। उठाने के बाद में मैंने मंडल मांगा बालकों से, तो बालकों ने जब किवाड़ देखे तो किवाड़ अंदर से बंद पाए। मैंने धुंध मचाया और परिवार वालों को जगाया तो परिवार में से मेरे दो भतीजे आए उठ के। उन्होंने पीछे को जाके देखा तो कूमर लगा हुआ था। उन्होंने अंदर से जाके जब किवाड़ खोले, किवाड़ खोलने के बाद में मैंने कहा जब कूमर लगाया इसमें तो देखो क्या क्या चीज़ थी। जो भी सामान था मेरा, कोई भी सामान जाता हुआ नहीं पाया मैंने। मेरे 96,000 रुपए रखे थे सर, मैंने वो भी नहीं पाए। जी कितने रुपए रखे थे आप? जी 96,000 रुपए रखे थे मेरे। और बाकी क्या सामान गया आपका? जी मेरी वालदा की, मेरी माँ की चीज़ थी, 2 किलो चांदी थी, वो भी गई, वो भी नहीं पाई मैंने, वो भी सब चली गई। मेरी ये बेटी है बड़ी फातिमा, उसकी 4 चीज़ें हैं, वो भी गई। मेरी छोटी बेटी है सारा, उसकी भी शादी कर दी मैंने, उसकी 5 या 6 चीज़ें थी, वो भी गई। मेरे घर में ना छोड़ा सर कुछ भी। इसकी सूचना आपने पुलिस को दी नहीं थी? जी मैंने 100 नंबर वाले भी आए थे, 100 नंबर वाले भी देख के चले गए। थाने वाले भी आए तो वो भी देख के चले गए सर। तो इसकी अभी तक आपने एप्लीकेशन क्यों नहीं दी? जी सर मैंने एप्लीकेशन, अब जाऊँगा देने के लिए, एप्लीकेशन जा रही हूँ। जी क्या मामला, थाने क्यों आए आप? जी मेरे चोरी हो गई रात, मैं सो रहा था अपने परिवार के जैसे रोजाना सोता था इसी तरीके से सो रहा था रोजाना। आज भी चोरी में क्या क्या गया आप? जी चोरी में मेरे 96,000 रुपए थे, 2 किलो चांदी थी, 1 बेटी की मेरी 2 चीज़ें थी, 1 की 5 चीज़, 4 चीज़ें थी, सब कुछ चला गया। मेरे घर में कुछ ना बचा। जी मुझे पता नहीं कितने की होगी, बहरहाल जितना सामान था मेरा इतना गया, मैंने 96,000 रुपये नकद गए मेरे।